हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठंड में खिलने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कैलेंडुला, फ्लॉक्स, गेंदा जैसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र बनाएं जिससे पौधे पूरी ठंड अच्छी फ्लावरिंग करती रहे। इस तरह के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को कट करने से मल्टीपल्स ब्रांच निकलते हैं। एक हेल्दी पौधे को कट करने में दुख तो होता है, लेकिन कट करने से पौधे बूसी होते हैं और इसमें ढेर सारी कलियां बनेंगी और ढेर सारे फूल लगेंगे। सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को 2.5 से 3 इंच पौधा जब हो जाए तो उसे कट कर दे। कट करने से पौधे मल्टीपल्स होंगे। ये पौधा कैलेंडुला का है। इसमें भी विभिन्न रंगों में इसके फूल खिलते हैं। आइए जानते हैं इस विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र बनाएं जिससे पूरी ठंड पौधे में फ्लावरिंग हो। इसके लिए काव डंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती और आलू के छिलके सूखे हुए ले। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस होते हैं। इसके अलावा आलू के छिलके सूखे हुए ले। आलू के सूखे हुए छिलके में आयरन, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो फूल वाले पौधे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा के छिलके और ऑरेंज पील को सुखाकर पाउडर बनाकर ले। ठंड में फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सरसों खली का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में। सरसों खली में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो फूल और फल वाले पौधे के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। इन सब खाद के अलावा 2 से 2.5 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट इस सॉलिड खाद में मिलाने से कार्बन की मात्रा पौधे को मिलती है, जिससे फूल वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद 1 से 1.5 मुट्ठी नीम खली इस सॉलिड फर्टिलाइज़र में मिलाएं। मात्रा कम या ज़्यादा अपने पौधे के अनुसार करें। गेंदा जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स की भी पिंचिंग करने से पौधे में मल्टीपल्स ब्रांच होते हैं, इसलिए इन पौधों को भी समय समय पर प्रूनिंग करें, जिससे पौधे काफ़ी बूसी बनेंगे और पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। फर्टिलाइज़र डालने से पहले पौधे की जड़ में थोड़ी सी गुड़ाई कर मिट्टी 1.5 से 2 इंच के करीब पूरी निकाल दें। ऐसे भी बीच बीच में मिट्टी के गमले की गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से पौधे में ऑक्सीजन मिलती रहती है और पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। गमले की मिट्टी को खाली कर इस बनाए हुए सॉलिड फर्टिलाइज़र 1.5 से 2 मुट्ठी गमले के चारों तरफ फैला दें। यदि आपके पास नीम खली ना हो तो नीम की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे की जड़ें बहुत ही सुरक्षित रहती है। खाद डालने के बाद मिट्टी से अच्छी तरीके से कवर कर दें। इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों की जड़ों में डालने से पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। फ्लॉक्स फ्लावरिंग प्लांट्स में भी विभिन्न कलर के फूल पाए जाते हैं, जो मार्च, अप्रैल, मई तक अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस तरह से अपने सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स में इस सॉलिड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे में डालने से
बार बार फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पौधे जब फ्लावरिंग करने लगे तब बनाना पील या ऑनियन पील लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स की जब भी हम कटिंग करते हैं तो इसे नए पौधे तैयार करें। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग सीजन में बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी नीचे की पत्तियों को हटाकर कटिंग में फंगस ना लगे इसके लिए एलोवेरा, हल्दी या दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई पौधे की कटाई छटाई करें तो उससे कुछ पौधे ज़रूर तैयार करें। इन सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को धूप वाली जगह में ज़रूर रखें। धूप में रखने से ही पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। खाद देने के बाद अच्छी तरीके से पानी डाल दें। ठंड में पानी तभी डालें जब मिट्टी 1 से 2 इंच सूखी हो। रोज़ रोज़ पानी डालने से पौधे की जड़ें खराब हो जाती है और पौधे खराब हो जाते हैं। इन पौधों में जब फ्लावरिंग होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।